हेलो एवरी वन वेलकम टू बाईज सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जेनेटिक्स वी हैव कवर्ड सेट इज यर जेनेटिक्स जो जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट द वेरिएशन एंड द इनहेरिटेंस इन्हेरिटेंस क्या है कि जो पेरेंट है उससे जो भी करेक्टर चाइल्ड के अंदर इनहेरिट हुए उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या होती है कि क्या क्या चेंजेस आए चाइल्ड के अंदर फ्रॉम द पेरेंट जो पेरेंट है उससे करेक्टर्स इनहेरिट हुए कुछ करेक्टर्स इनहेरिट हुए तो चाइल्ड के अंदर क्या क्या डिफरेंस है पेरेंट्स से उसको हम कहते हैं वेरिएशन्स तो जो इनहेरिटेंस हैं जो वेरिएशन है उसके स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स नेक्स्ट आता है हेरिडिटी हेरिडिटी क्या होता है ये ट्रांसमिशन है करेक्टर्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन वन जनरेशन कौन सी होगी पेरेंट से चाइल्ड के अंदर क्या क्या करेक्टर्स इनहेरिट होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी ओके सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे मैंडल्स लो ऑफ इनहेरिटेंस मैंडल ने जो ग्रीगर मैंडल थे उन्होंने जेनेटिक्स पर बहुत ज़्यादा वर्क किया उन्होंने पी प्लांट पर सेवन इयर्स तक वर्क किया तो इस वजह से उनको हम फादर ऑफ़ जेनेटिक्स कहते हैं एंड उन्होंने कुछ लॉज दिए तो उनके बारे में हम फर्स्टली लॉज़ को पढ़ेंगे मैंडल ने इन्वेस्टिगेट किए कुछ करेक्टर्स गार्डन पी प्लांट के अंदर और वो कौन कौन से थे टॉल एंड वास्ट प्लांट एंड येलो एंड ग्रीन सीड्स तो उन्होंने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करवाया वो क्या होता है हाइब्रिड की फॉर्मेशन करवाना फ्रॉम द पेरेंट तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया ऑटो क्रॉस पोलिनेशन करवाया या फिर आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाया पी प्लांट्स का तो यहाँ पे उन्होंने सेलेक्ट किए फोर्टीन थ्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वराइटीज़ एज पेयर्स तो यहाँ पर हमने उन्होंने सेवन पेयर्स सेलेक्ट किए और जो सेवन पेयर्स थे उनके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थी और वो कैसे थी वो हम देखते हैं यहाँ पर ये सेवन पेयर्स थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के तो फर्स्टली उन्होंने सेलेक्ट किया स्टेम हाइट उसके अंदर टोल एंड वार्फ था फ्लावर कलर फ्लावर कलर के अंदर वॉर्ट एंड वाइट था एंड फ्लावर पोजिशन के अंदर एक्जियल एंड टर्मिनल पोजिशन थी फ्लावर की एंड पोर्ट शेप के अंदर इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रक्टेड एंड पोर्ड कलर के अंदर ग्रीन या फिर येलो जो सीड शेप है उसके लिए राउंड एंड रिंकल एंड सीड कलर के लिए येलो एंड ग्रीन तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हुई उन्होंने क्या किया मेल पेरेंट लिया एंड फीमेल पेरेंट लिया मतलब लेबल कर दिया पी प्लांट के अंदर दोनों होते हैं मेल एंड फीमेल दोनों एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं बट यहाँ पर उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करवाना था तो उसके लिए उन्होंने मेल एंड फीमेल पेरेंट लेबल कर दिए तो मेल पेरेंट से उन्होंने पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया एंड जो फीमेल पेरेंट थे वहाँ पर जो एंथर्स थे उसी फ्लावर के फीमेल पेरेंट के फ्लावर के जो एंथर्स थे उनको सीजर की हेल्प से रिमूव करवा दिया गया और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैस्कुलेशन तो जो मेल पेरेंट से पोलन ग्रेन्स लिए थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया फ़ीमेल पेरेंट पर और जो भी यहाँ पर सीड्स कलेक्ट हुए उनको सीड्स uh, प्रोड्यूस हुए उनको कलेक्ट कर लिया उनको ग्रो करवाया तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जो एफ एन थी मतलब पेरेंट से जो भी एफ एन आई उसके अंदर हर कोई जो प्लांट था वो टोल था तो ये क्या शो करता है कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक करेक्टर लिया है टोल एंड क्राफ तो इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं तो इसके अंदर क्या होता है फर्स्टली हमने फीमेल पेरेंट लिया मेल पेरेंट लिया जो है कैपिटल टी कैपिटल टी वो टोल है एंड फीमेल पेरेंट है वो स्मॉल टी स्मॉल टी है वो डॉल्व है तो मतलब हम नोटेशंस देते हैं कि जो कैपिटल टी है जो डोमिनेंट जीन है उसको हम कैपिटल से डिनोट कर देते हैं जो रिसेसिव जीन है जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो खुद को एक्सप्रेस uh, करता है मतलब खुद के करेक्टर्स को शो करता है वो डोमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ओके सो उन्होंने क्रॉस करवाया मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट के अंदर जो टोल था एंड ड्राफ्ट था उन्होंने दोनों ने एक एक जीन प्रोड्यूस किया मतलब एक टाइप की जीन इन्होंने कैपिटल टी एंड इसने स्मॉल टी तो अगर इनका हम क्रॉस करवाते हैं तो जो एफ वन जनरेशन आएगी उसके अंदर क्या होगा एक कैपिटल टी आएगा और एक स्मॉल टी आएगा तो यहाँ पर क्या होगा क्या जो स्मॉल टी है वो अपने कैरेक्टर्स uh, को शो करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट करेक्टर प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो अपने करेक्टर्स को शो करेगा तो यहाँ पर जो जनरेशन के अंदर प्लांट्स होंगे वो हर कोई टोल होगा यहाँ पर डॉ पेरेंट नहीं होगा क्योंकि हर चाइल्ड के अंदर एक कैपिटल टी होगा ही होगा तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है एफ वन जनरेशन के अंदर तो हर कोई प्लांट टोल था बट एफ टू जनरेशन के अंदर ये चेंज हो जाता है क्यों चेंज हो जाता है क्योंकि अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंट की क्रॉसिंग करवाएं सेल्फ क्रॉसिंग करवाएं तो वहाँ पर क्या होगा जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो टू गैमेट्स को फॉर्म करेगा कौन कौन से गैमेट्स फॉर्म करेगा टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड जो सेकंड पेरेंट है उसके लिए भी हम सेल्फ क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो दोनों का जो करेक्टर्स uh, हैं वो सेम होंगे मतलब जो जीन्स हैं ट्रेड्स हैं वो सेम होंगी तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी तो यहाँ पर कितने गैमेट्स फॉर्म होंगे टू टाइप्स के एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी और यहाँ पर भी टू टाइप्स के होंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यहाँ पर तो टोल हो गया यहाँ पर भी टोल हो गया प्लांट यहाँ पर भी टोल हो गया बट यहाँ पर ये होमोजाइगस कंडीशन आ गई होमोजाइगस क्या होती है जहाँ पर जो दोनों कैरेक्टर हैं वो सेम होते हैं तो यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन आ गई और यहाँ पर ये यह रिसेसिव है क्योंकि दोनों ही रिसेसिव हैं स्मॉल टी तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होगा जो जनरेशन होगी उसके अंदर एक जो प्लांट होगा वो ड्वार्फ होगा तीन जो प्लांट है वो टॉल होंगे और वन प्लांट होगा वो ड्वार्फ होगा तो आफ्टर जनरेशन के अंदर जो रेशियो है वो डिफरेंट हो जाएगा वहाँ पर रेशियो होगा थ्री टू वन अगर हम फिनोटिपिक रेशियो लेके चले फिनोटिपिक रेशियो के अंदर हम सिर्फ फिजिकल अपेयरेंस देखते हैं फिजिकल अपेयरेंस में हमने सिर्फ दो करेक्टर्स देखे टॉल एंड ड्वार्फ अगर हम जीनोटिपिक रेशियो लेके चले मतलब जीन्स को देखें तो जीन्स तो अलग अलग थे दो के अंदर एक के अंदर था टी टी एक दो के अंदर था टी एंड स्मॉल टी एंड एक के अंदर था स्मॉल टी स्मॉल टी तो ये इसकी जिनोटिपिक रेशियो होगी और एक होगी फिनोटिपिक तो कुछ टर्म्स आती है होमोजाइगस क्या होता है होमोजाइगस के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं मतलब या तो ये कंडीशन होती है या फिर ये कंडीशन होगी तो ये दोनों होमोजाइगस है नेक्स्ट आते हैं हेट्रोजाइकस हेट्रोजाइकस कंडीशन क्या होती है इसके अंदर जो दोनों एलील हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं कैसे होते हैं एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा फिर आती है डोमिनेट डोमिनेट क्या होता है जो करेक्टर जो जीन खुद को शो करता है खुद के करेक्टर्स को शो करता है उसको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं तो यहाँ पर डोमिनेंट जीन कौन होगा कैपिटल टी नेक्स्ट आता है रिसेसिव रसिव क्या होता है जो जीन खुद को शो नहीं कर पाता जो स्मॉल होता है जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से जो खुद को शो नहीं कर पाता उसको रिसेसि जीन कहते हैं तो यहाँ पर रिसेसि जीन कौन सा होगा स्मॉल टी नेक्स्ट आता है जीनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है किसी भी जनरेशन का जेनेटिक कंटेंट उसको हम जीनोटाइप कहते हैं और जीनोटाइप टाइप यहाँ पर कौन से हैं ये वाले टी 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 स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी नेक्स्ट आता है फिनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है फिजिकल अपेयरेंस किसी भी प्लांट की तो फिनो यहाँ पर फिनोटाइप अपेयरेंस क्या है फिजिकल अपेयरेंस क्या है टोल एंड वाफ नेक्स्ट आता है एफ वन जनरेचन एफ वन जनरेशन कौन सी होती है जो पेरेंट फॉर्म करते हैं जो पेरेंट्स से एफ वन जनरेसन आती है उसको हम पेरेंट्स से जो जनरेशन आती है उसका हम एफ वन जनरेसन कहते हैं और एफ वन जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग करवाने से जो जनरेशन आती है उसको हम एफ टू जनरेशन कहते हैं तो ये टर्म्स हो गई अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया वो कोई और भी प्लांट ले सकते थे तो उन्होंने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया क्योंकि उसके अंदर जो सीड्स की फॉर्मेशन थी वो लार्ज नंबर में होती थी और जो लाइफ स्पैन था पी प्लांट का वो शॉर्ट था मतलब वो जल्दी जल्दी हमें उसका रिजल्ट मिल सकता था जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका जल्दी रिजल्ट मिलता है हमें और इसके अंदर हमें कोई भी इन्वामेंट का इफेक्ट नहीं होता वो कहीं पे भी ग्रो कर सकता है एंड उसके अंदर सेवन डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थी प्लांट के अंदर और ये इजी टू कल्चर था इसके अंदर हम सेल्फ पोल इसका सेल्फ पोलिनेशन खुद ही हो जाता है और इसके अंदर हम क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ फेब्रिटाइजेशन एंड इसके अंदर हम क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन दोनों करवा सकते हैं और जो इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो फ्यू है तो इनको हम स्टडी करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती अगर किसी के अंदर मान लो करेक्टर ज़्यादा हैं जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हैं तो उनको हर एक क्रोमोसोम को हमें स्टडी करना पड़ेगा मतलब हर एक क्रोमोसोम के हमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स देखनी पड़ेंगी तो वहाँ पे हमें कुछ डिफिकल्टी हो सकती है तो पी प्लांट के अंदर सिर्फ कुछ ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे इस वजह से पी प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंड प्रोपोज थ्री लोस लो ऑफ सेग्रीगेशन लो ऑफ डोमिनस एंड लो ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट लो ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट वो डाहाइब्रिड क्रोस के बेसिस पे हुआ था तो यहाँ पर हम सिर्फ दो लोज पढ़ते हैं मोन हाइब्रिड क्रोस के बाद तो फर्स्ट लो था लो ऑफ डौ डोमिनंस ये क्या कहता है ये कहता है कि जो पेरेंट क्रोमोसोम है उसकी जो आ, मतलब पेरेंट क्रोमोसोम के जो एक्सप्रेशन है वो एफ वन जनरेशन के अंदर सिर्फ एक पेरेंट की एक्सप्रेशन शो होती है और जो एफ़ टू जनरेशन है उसके अंदर दोनों पेरेंट के एक्सप्रेशन शो होते हैं ये कैसे कह रहे हैं जैसे मान लो ये पेरेंट थे ठीक है ये फीमेल है या मेल है वो, वो कोई दिक्कत नहीं है तो एक पेरेंट ने गैमेट्स दिए कैपिटल टी एक ने दिया स्मॉल टी तो इनको हमने क्रॉस करवाया तो हमें जनरेशन के अंदर क्या मिला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और ये एफ़ वन जनरेशन है तो एफ वन जनरेशन के अंदर हमें एक कौन से मिले सिर्फ एक टोल क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट करेक्टर प्रेजेंट है तो यहाँ पर डोमिनेंट शो करेगा ये तो इसका जो करेक्टर होगा प्लांट का वो होगा टोल टू जनरेशन के अंदर क्या होगा ये एफ वन जनरेशन थी इसकी हम सेल्फ क्रॉसिंग करवाते हैं फिर तो उसके अंदर क्या होता है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी तो यहाँ पे ये टू कैमिट्स की फॉर्मेशन करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी ओके सो यहाँ पर अगर इनका क्रॉस करवाते हैं तो ये कैपिटल टी कैपिटल टी आता है इसका क्रॉस करवाते हैं तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आता है ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा एंड दिस वन यहाँ पर चेंज आ जाएगा यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल टी आएगा तो ये एफ जनरेशन हुई ठीक है एफ वन जनरेशन के अंदर आ रहा था एक ही करेक्टर टोल करेक्टर पेरेंट थे वो दोनों थे टोल एंड ड्वार्फ दोनों थे मतलब एक पेरेंट था वो टोल था एक पेरेंट था वो ड्वार्फ था बट एफ वन जनरेशन के अंदर कोई ड्वार्फ तो नहीं आया तो वहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट के करेक्टर शो हुए एफ टू जनरेशन के अंदर क्या हुआ तीन जो ऑफस्प्रिंग थे एफ टू जनरेशन के अंदर वो तो थे टोल और एक ऑफस्प्रिंग था वो था ड्वार्फ तो यहाँ पर जो पेरेंट लिए थे हमने उसके अंदर कौन कौन से थे टोल एंड वाफ तो एफ टू जनरेशन के अंदर दोनों कैरेक्टर शो हुए तीन थे टोल एंड वन थर्ड वाफ तो दोनों करेक्टर शो शो हुए तो ये लो डोमिनेंस यही कहता है कि एफ वन जनरेशन के अंदर सिर्फ एक पेरेंट के करेक्टर शो होते हैं और एफ टू जनरेशन के अंदर दोनों पेरेंट के करेक्टर शो होते हैं और यहाँ पर ये यह क्या प्रूव करता है कि जो कैपिटल टी है मतलब एफ वन जनरेशन के अंदर जो टी है वो अपना डोमिनस शो करता है इस वजह से वहाँ पर सभी टोल होते हैं मतलब डोमिनेंस तो वो दोनों के अंदर शो करता है बट एक कंडीशन आ जाती है कि वहाँ पर रिसेसिव होमोजाइगस ना हो तो यहाँ पर एफ जनरेशन के अंदर डोमिनेंस रिसेसिव ट्रेड्स हैं उसके अंदर कोई डोमिनेंस ही नहीं है मतलब वो होमोजाइ मतलब वो होमोजाइगस है अगर वो कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी है तो यहाँ पर कोई कैपिटल ट्रेड तो नहीं डोमिनेंस ट्रेड तो नहीं है डोमिनेंट ट्रेड नहीं है तो यहाँ पर कोई डोमिन शो नहीं होगी तो यहाँ पे ये यह स्मॉल होगा सो so, जो इसकी प्रोपोर्शन है एफ टू जनरेशन के अंदर वो कौन सी होगी थ्री इज टू वन नेक्स्ट आता है लो ऑफ सेग्रीगेशन लो ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर क्या होता है ये स्टेट करता है कि जो फैक्टर्स जो एलियस हैं किसी भी एक पेयर की वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर सिर्फ एक फैक्टर जाता है दोनों फैक्टर्स में से सिर्फ एक फैक्टर जाता है ये क्या कहना चाहता है जैसे हमने एफ़ वन जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग करवाई थी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल एंड टी स्मॉल टी तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये दो कैमेट्स की फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे भी दो कैमेट्स की फॉर्मेशन होगी ना तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते एक मिनट कि जो ये जनरेशन है इसके अंदर हम यहाँ पेरेंट्स से एक करेक्टर ले रहे हैं यहाँ से एक फैक्टर ले रहे हैं तो हम यहाँ पर दोनों फैक्टर तो नहीं ले सकते ना तो दोनों फैक्टर नहीं आएंगे तो लो सेग्रीगेशन यही कह रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके अंदर जो दो करेक्टर्स हैं दो फैक्टर्स हैं उनमें से सिर्फ एक फैक्टर आगे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है ओके सो जो होमो होमोसाइकस पेरेंट हैं वो हमेशा सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं कैसे जैसे हमने टोल प्लांट की क्रोज करवाई थी ये आगे जाके ये होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ये सिर्फ एक गैमेट की प्रोडक्शन करेगा और ये जो सिसेसिव है वो स्मॉल टी की प्रोडक्शन करेगा गैमेट की और जो हिट्रोसाइकस गैमेट्स होंगे लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वो टू टाइप्स के करेक्टर शो करे टू टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म करेगा एक तो कैपिटल टी वाले और एक स्मॉल टी वाले और ये आगे जाके ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिट होंगे एक साथ ट्रांसमिट नहीं होंगे नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पर डोमिनेंस है वो इनकम्प्लीट होगी कम्प्लीट नहीं होगी मतलब जो कैरेक्टर है वो अपनी जो डोमिनेंस है उसको पूरा नहीं शो कर पाएगा तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हमने क्रोस करवाया रेड फ्लावर के अंदर एंड वाइट फ्लावर के अंदर तो यहाँ पर हमने कैपिटल टी कैप सॉरी कैपिटल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर तो हमने एफ वन जनरेशन के अंदर क्या देखा कि जो और स्प्रिंग था उसका ना तो रेड कलर था ना ही वाइट कलर था क्यों क्योंकि यहाँ पर हिट्रोसाइगस कंडीशन आ गई एक कैपिटल आर था और एक स्मॉल आर था तो जो कैपिटल आर था वो अपनी डोमिनेंस को पूरी तरह नहीं शो कर पाया इस वजह से जो कलर था एफ जनरेशन के अंदर वो पिंक आया और एफ टू जनरेशन के अंदर क्या चेंज हो जाएगा आगे जाके के यहाँ पर एफ टू जनरेशन में अगर हम सेल्फ क्रॉसिंग करवाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर की तो यहाँ पे टू कैमेट्स की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे भी टू एक मिनट यहाँ पे भी टू कैमेट्स की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे भी टू कैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो इनको हम फिर आगे वो करवाएंगे क्रॉस करवाएंगे तो जो कैपिटल आर कैपिटल आर था उन्होंने प्रोड्यूस किया होमोसाइकल्स डोमिनेंट तो यहाँ पर आर आर हुआ यहाँ पर आर और आर हुआ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर यहाँ पर जो डोमिनट कैरेक्टर था वो अपनी डोमिनेट शो नहीं कर पाता तो इस वजह से यहाँ पर जो कलर होगा वो पिंक होगा नेक्स्ट आता है स्मॉल आर कैपिटल आर तो यहाँ पर भी जो कलर होगा वो पिंक होगा और नेक्स्ट आता है आर आर यहाँ पर होमोसाइगर कंडीशन है तो इसका कलर होगा व्हाइट तो एफ एन जनरेशन के अंदर कोई भी कलर पेरेंट का कलर शो नहीं हुआ एफ टू जनरेशन के अंदर टू के अंदर पेरेंट के करेक्टर शो हुए एक होगा वाइट और एक होगा रेड तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी आर इज कैपिटल आर कैपिटल आर इज टू कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू स्मॉल आर स्मॉल आर और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी आर इज टू पिंक इज टू व्हाइट और ये कितने होंगे वन होंगे ये होंगे टू और ये होगा वन और जो रेड होगा वो वन होगा पिंक होंगे वो टू होंगे और वाइट होंगे वो वन होगा तो इसके रीजंस क्या थे या तो जो गैमेट था जिसको हम ये कह रहे थे कि वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है वो लेस एफिशिएंट एंजाइम की वजह से कर रहा था मतलब उसके अंदर ऐसा एंजाइम जो एंजाइम था वो लेस एफिशिएंट था कि वो पूरी तरह अपना डोमिन शो नहीं कर पा रहा या फिर उसके अंदर नॉन फंक्शनल एंजाइम था या फिर उसके अंदर कोई एंजाइम था ही नहीं इस वजह से वो अपना डोमिनस शो नहीं कर पा रहा था अगर वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ पर अपना डोमिनस शो करेगा बट अगर वो हिट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है इनकम्प्यूट डोमिनेंस के अंदर तो वहाँ पर वो अपना करेक्टर शो नहीं कर पाएगा अपना डोमिनंस शो नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर हमें एक न्यू ट्रेट मिलेगी एक न्यू वेरिएशन मिलेगी तो ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस नेक्स्ट आता है कोडोमिनंस कोडोमिनंस के नाम से हमें क्या पता चला को डोमिनंस मतलब एक साथ डोमिनेंट करेंगे तो एफ जनरेशन के अंदर हमें जो जनरेशन मिलती है वो रिग्ज़ल करती है विद बोथ पेरेंट्स तो यहाँ पे एग्जांपल हम लेके चलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का ह्यूमन बींग्स के अंदर तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो कंट्रोल किया जाता है बाई कैपिटल आई जी एंड इसके अंदर थ्री एलियस होती हैं आई ए एंड आई बी एंड स्मॉल आई जो आई ए एंड आई बी है वो डिफरेंट शुगर प्रोड्यूस करती है जो आई है स्मॉल आई वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता तो हमने कुछ कंडीशंस ली उनको क्रॉस करवाया तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिला अगर हमने आई ए एंड आई ए लिया तो वहाँ पे हमें मिला आई ए आई ए एंड वहाँ पर जो ब्लड मिलेगा हमें ब्लड ग्रुप मिलेगा वो हमें मिलेगा ए नेक्स्ट के अंदर हमने क्रोज़ करवाया ए एंड बी के अंदर तो वह हमें वहाँ पर हमें क्या मिला आई ए एंड आई बी और वहाँ पर हमें ब्लड ग्रुप क्या मिला ए बी नेक्स्ट के अंदर हमने क्रॉस करवाया आई ए एंड स्मॉल आई के अंदर तो यहाँ पे जो स्मॉल आई है वो कोई शुगर ही प्रोड्यूस नहीं कर रही तो वहाँ पर उसका कोई डोमिन शो नहीं होगा तो यहाँ पर सिर्फ हमें करेक्टर मिलेगा आई ए का तो यहाँ पर हमें मिलेगा ए नेक्स्ट आएगा बी एंड ए के साथ क्रोज़ करवाया तो यहाँ पर हमें मिला आई ए आई बी एंड यहाँ पर ब्लड ग्रुप मिलेगा हमें ए बी तो ऐसे ही हमें क्रोज करवाया लास्ट में आया स्मोल आई स्मॉल आई उनको क्रोज करवाया तो वहाँ पर कोई शुगर ही प्रोड्यूस नहीं होती तो वहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा ओ सो so, इसी वजह से जो ओ है उसको हम यूनिवर्सल uh, डोनर uh, कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं होती तो ये कोई हार्म नहीं पहुँचा सकती और जो ए बी है उसको हम यूनिवर्सल रिसिपियट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों शुगर प्रोड्यूस करती हैं तो ये सिर्फ ले सकती हैं ये आ, डोनेट नहीं कर सकते ब्लड को ओके नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स इसके अंदर मैंडल ने क्रॉस करवाया पी प्लांट के अंदर मतलब वहाँ पे हमने टू कैरेक्टर्स लिए एक तो था येलो कलर एंड राउंड शेप एंड एक था ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप तो ये हमने सीड की शेप ली एंड सीड का कलर लिया तो यहाँ पे जो कैपिटल वाई था उसको डोमिनेंट येलो सीड कलर था जो स्मॉल वाई था उसको रिसेसिव ग्रीन कलर था जो कैपिटल आर था उसका राउंड शेप था एंड जो स्मॉल आर था उसका रिंकल शेप था तो उन्होंने क्रॉस करवाया तो हमने यहाँ पे हमने गैमेट्स ले लिए एक तो था राउंड येलो एक था रिंकल ग्रीन तो इसके अंदर उन्होंने क्रॉस करवाया तो ये जो पेरेंट है ये एक टाइप का जीन प्रोड्यूस करेगा कौन सा करेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड जो ये वाला पेरेंट है वो प्रोड्यूस करेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई तो इन्होंने जब गैमेट्स प्रोड्यूस उसके बाद क्रॉस हुआ तो एफ वन जनरेशन का क्या जीन आया क्या करेक्टर्स आए उसके अंदर ये करेक्टर्स आए तो यहाँ पे जो करेक्टर होगा वो कौन सा होगा राउंड होगा एंड येलो होगा ओके okay. क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल आई है जो कैपिटल वाई है यहाँ पर डोमिनेंस शो कर रहे हैं यहाँ पर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोर डोमिनस ले कर नहीं चलेंगे हम जनरल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो एक्सेप्शनस होते हैं तो उनको हम अलग से मैंशन किया जाता है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या कोर डोमिनंस है अगर कुछ भी मैंशन नहीं कर रखा तो वहाँ पर हम कम्प्लीट डोमिनेंस लेके चलते हैं तो इसके जो एफ एन जनरेशन थी उसके अंदर हमने सेल्फ क्रोसिंग करवाई तो क्या हुआ आगे ये फीमेल गैमेट्स हैं ये मेल गैमेट्स हैं तो फर्स्टली जो कैपिटल आर कैपिटल वाई था उन सबको हमने क्रॉस करवाया तो वहाँ पे हमें मिले चार टाइप्स के करेक्टर्स फर्स्ट मिला हमें राउंड येलो सेकंड मिला हमें राउंड ग्रीन राउंड सीड की शेप एंड येलो सीड का कलर नेक्स्ट मिला रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन रिंकल ग्रीन सिर्फ एक था क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर वो होमोजाइगस कंडीशन में था और स्मॉल वाई स्मॉल वाई वो भी होमोजाइगस कंडीशन में था तो यहाँ पे होमोजाइगस होमोजाइगर कंडीशन थी और यहाँ पे जो हमें राउंड येलो था वो हमें मिले नाइन क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला है यहाँ पे आर डोमिनेंट है और वाई भी डोमिनेंट है तो यहाँ पे कौन सा कलर होगा राउंड येलो यहाँ पर भी ऐसा ही है यहाँ पर भी ऐसा ही है यहाँ पर भी ऐसा ही है यहाँ पर भी ऐसा है और यहाँ पर भी ऐसा है यहाँ पर भी ऐसा है और यहाँ पर भी ऐसा है और यहाँ पर भी ऐसा है तो ये हमें मिले राउंड येलो नेक्स्ट आया राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन का मतलब क्या है कि जो आर कैरेक्टर है वो तो कैपिटल आर होगा और जो सीड की श, आ, कलर वाला है वाई वाला वो वहाँ पर स्मॉल वाई होगा तो यहाँ पे हमें थ्री मिले वो कौन से थे ये वाले नेक्स्ट मिले हमें रिंकल येलो रिंकल येलो थे ये वाले एंड लास्ट बच गया रिंकल ग्रीन वो हमने देख लिया तो इसके बेसिस पे ने एक लो दिया ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट क्या कहता है कि जो करेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं मतलब एक दूसरे से वो उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एक दूसरे पे वो खुद इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं आगे जनरेशन के अंदर तो ये क्या स्टेट करता है कि जब भी कोई भी पेयर ऑफ ट्रेट है उनको कंबाइन किया जाता है इन अ हाइब्रिड तो जो उनकी सेग्रीगेशन है एक पेयर की सेग्रीगेशन एक पेयर ऑफ़ करेक्टर्स की सेग्रीगेशन वो इंडिपेंडेंट होती है अनदर पेयर ऑफ करेक्टर्स तो जो सेग्रीगेशन है जैसे कैपिटल आर की और जो सेग्रीगेशन है स्मॉल आर की वो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है तो वो इंडिपेंडेंट होगी जो कैपिटल वाई की फिफ्टी परसेंट सेग्रीगेशन है जो कैपिटल स्मॉल वाई की फिफ्टी परसेंट सेग्रीगेशन है वो दोनों अलग अलग सेग्रीगेट होंगे जो आर का सेग्रीगेशन है वो इफेक्ट नहीं करेगा वाई के सेग्रीशन को एंड वाई के सेग्रीशन को इफेक्ट वाई का सेग्रीगेशन इफेक्ट नहीं करेगा आर के सेग्रीगेशन को नेक्स्ट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस इसके अंदर क्या होता है जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो वहाँ पर जो ट्वेंटी टू पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और वो मेल एंड फीमेल के अंदर सेम होते हैं वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज सेक्स क्रोमोसोम वो डिफरेंट होते हैं फीमेल के अंदर होते हैं एक्स एक्स एंड मेल के अंदर होते हैं एक्स वाई तो यहाँ पर क्या होता है जो फीमेल है वो सिर्फ एक टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करेगी दैट इज एक्स एंड जो मेल है वो दो टाइप के गेमिट प्रोड्यूस करेगा एक्स एंड वाई तो इन दोनों को हम क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेंगी फीमेल्स टू फीमेल्स एंड टू मेल्स आई एम नॉट सेइंग दैट मेल एंड फीमेल टू टू मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर एक एक्स होगा और एक वाई होगा तो वहाँ पर ह्यूमन बींग होगा मेल एंड अगर दोनों ही एक्स होंगे तो वहाँ पर ह्यूमन बींग होगी फीमेल तो हमें सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस के अंदर कैसे करते हैं अगर एक एक्स है एक वाई है तो वो होगा मेल एंड एक एक्स है और दूसरा भी एक्स है वो होगा फीमेल तो यहाँ पे हमने जेनेटिक्स कंप्लीट कर लिए है नेक्स्ट के लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन सो स्टेट यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग